नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड जॉब के बारे में। जी हाँ भाई, सिक्योरिटी गार्ड जॉब चाहे दुबई का हो सकता है, लेकिन फेमस दुबई का है। कतर, सऊदी, कुवैत, ओमान, बहरीन, जितनी भी ये जो 6 कंट्रियां हैं, सब में सिक्योरिटी गार्ड के जॉब आते रहते हैं, लेकिन फेमस सबसे ज़्यादा दुबई का है। जी हाँ, दुबई में सिक्योरिटी गार्ड के नाम से अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो वीडियो भरे पड़े हैं। आप जितना मर्जी देख लो, किसी भी एजेंट के पास आप संपर्क करोगे, हर बंदे के पास सिक्योरिटी गार्ड जेब में होते हैं। उनके पास वैकेंसीज डायरेक्ट जो इंडिया जो दुबई की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वो देने के लिए उनके पास तैयार होती है कि आप मेरे बाप आपके बिना तो कमी जरूरी है, आप जल्दी से जल्दी 100 सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास भेज दीजिए और मुंह मांगे हम आपको पैसे देंगे और तनख्वाह देंगे। ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। मैं आज सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड में जाऊं, खासतौर से दुबई से रिलेटेड। बाकी हम पर्टिकुलर सब देशों की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, आप लोग मुंह उठा के कॉल कर लेते हैं एजेंटों के पास में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, वैकेंसीज देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और कॉल कर लेते हैं, हाँ जी सिक्योरिटी गार्ड, तो आपके बिना तो कंपनी अधूरी है, आप जाओगे तभी काम शुरू होगा। ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने क्रिएट कर देते हैं एजेंट। जी हाँ, लेकिन क्या आपको सच्चाई का पता है कि सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही जाया जाता है? मतलब किसी को कॉल किया, कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, कोई आपका ऐसा कोई कुछ आप में है नहीं, फिर भी आपको जॉब मिल रहा है, लेकिन वो मिलता यहीं तक है, पहुंच नहीं पाते आप। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि मैन पावर ऑफिस में अगर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आती है, जॉब आती है, तो क्या प्रोसेस होता है, वो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। अगर आप किसी भी ऑफिस में अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड, तो आपको अगर इस तरीके से फॉलोअप है तो ठीक है, वरना भाई 100% फेक और गलत है। आप मेडिकल के नाम से 5,000 लुटवा लो, ऑफर लेटर के नाम से दे दो, एडवांस के नाम से दे दो, और बस हो गया आपका काम, इतना ही। मेरे पास ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। इसमें आप देखिए, तो इसमें एक इंटरव्यू है, ये मैनपावर ऑफिस का मैसेज है भाई। मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि मैनपावर ऑफिस से जाने के क्या फायदे हैं, एक नंबर में काम होता है, बस यही बात बताना चाहता हूँ। देखो, जॉब इंटरव्यू 2/12/2021, यानी ये इंटरव्यू जो December 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑफिस कंपनी का नाम वगैरह दे दिया, ठीक है जी, कंपनी का नाम दे दिया। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह देख लो, 2407 दराम मिलेंगे, प्लस ओवर टाइम आपको अलग मिल जाएगा, खाना इसमें इंक्लूड नहीं है, खाना इसके साथ ही है भाई। जी हाँ, 10 पास कैंडिडेट ओनली। जी हाँ, 10वीं पास बंदा कम से कम होना चाहिए। हाइट देख लो जी, 5'8" हाइट चाहिए। वेट देख लो, 60 kg वेट होना चाहिए। उम्र देख लो, 21 से 40 साल होना चाहिए। ड्यूटी देख लो जी, 12 घंटे ड्यूटी करनी है। ECR पासपोर्ट वगैरह एक्सेप्टेड हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजा जी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा। विजिट एजेंटों वाला चक्कर नहीं है कि विजिट में जाओगे और वहाँ सिक्योरिटी में लगवा देंगे, ऐसा नहीं है। नोट, इंग्लिश गुड इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश आनी आपको जरूरी है, ये बात ध्यान में रख लो जी। उसके बाद दोबारा देख लो, देखिए कितनी तरीके से ये जो ऐसे नहीं है भाई, देखो कंपनी का नाम दिया गया है। मैं कंपनी में जो भी दुबई कंपनी में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कल 11 बजे ये लिंक से जुड़ना है, यानी ये जूम इंटरव्यू होगा इनका सब बंदों का। जी हाँ, जो भी लिंक है वो 11 बजे इस लिंक को ओपन कर लें और कंपनी के क्लाइंट की तरफ से इंटरव्यू आएगा और सबका ग्रुप में इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये है जी। इसके बाद में भी इन लोगों को दूसरी एक बड़ी ऑफिस में लेके गया, उनका भी मैसेज मेरे पास अभी है नहीं। यहाँ उनका इंटरव्यू हो गया, के बाद में यहाँ से बस गई दूसरे राज्य में, वहाँ पे फिर इनका इंटरव्यू हुआ। उनमें लोगों का ये तो प्री सिलेक्शन था। जी हाँ, जॉब इंटरव्यू में तो प्री होता है ना, जो सेमीफाइनल जिनको बोल सकते हैं, उनके बाद फाइनल के लिए दूसरे स्टेट में यहाँ से बस गई। और बस किस किसी तो मैन पावर ऑफिस वाले ने बस करी। अब बस का 20-30 हज़ार रुपये किराया लग जाता है, और उसमें पैसे आदमी और जो लोग जाने के इंटरेस्टेड से जो पास हो गए थे, वो दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे के आए। उसमें भी कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, किन किन लोगों का वीज़ा आएगा, वो इम्पोर्टेंट बात है। जी हाँ, ये बात मान के चलिए कि एक कंपनी को 100 गार्ड्स की सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है ना, तो वो 1,000 लोगों को टारगेट करती है, उसमें से 100 लोगों को छांटती है वो, आप समझ लीजिए। और आप लोग हो कि भाई यूँ बस यूँ आपने वैकेंसी देखी, यूँ कॉल किया, यूँ ऑफर लेटर दिया, यूँ एजेंट को पैसा दिया। अब यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बुक में जो मैंने जो तरीका बताया ना, वो इस बुक में भी है। आपको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है मुझे कॉल करके कि मैं राजस्थान आ जाऊँ, ज़रूरत नहीं है भाई। आप जहाँ हैं वहीं पे 100-150 किलोमीटर के एरिया में ऐसी ऑफिस आपको मिल सकती है। मैनपावर गवर्नमेंट अथोराइज ऑफिस की बात कर रहा हूँ, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि जो लीगल लोग होते हैं, लीगल ऑफिस बना के बैठे हैं, वो लीगल ही तरीके से काम करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, गलत काम नहीं कर सकते।
तो इसलिए अगर आप चाहें तो ये बुक है मात्र 1000 रुपये में परचेज कर सकते हैं, लाइफ टाइम ये बुक काम आएगी। 41 पॉइंट्स में बताए गए हैं, जो मेडिकल के बारे में, वीज़ा के बारे में, जॉब के बारे में, सब कुछ डिटेल इसमें दी गई है। बाकी आपकी समझ है कि आप क्या सोचते हैं। एजेंटों को मेडिकल के नाम से बहुत बड़ा इजी होता है जी, सिक्योरिटी गार्ड का ऑफर लेटर आ जाता है जी, मेडिकल करवा लो 5000 रुपये दे दो हमें, बल्ले बल्ले हो गई जी। आप जैसे 100-200 लोगों के मेडिकल करवा के वो 5-7-10 लाख रुपये कमा लिए, अजी वो गेम फेल हो गया, नहीं आएगा वीज़ा। अब मेडिकल का पैसा आप नहीं मांग सकते। समझ में आ गई होगी बातें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।